इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ तिरंगा मिठाई। हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं, इसलिए मैं 3 कलर की बर्फी बना रही हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी। इसे बनाना बहुत आसान है, इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं लूँगी 1 कटोरी नारियल का बुरा, कोकोनट पाउडर आधा कप लूँगी, आधी कटोरी मैं लूँगी मिल्क पाउडर, और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए है शुगर पाउडर। इसी चीनी का यूज़ कर सकते हैं या मार्केट में आती है बूरा, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम दूध डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें ना ही सॉफ्ट रखना है ना ही टाइट रखना है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बनाएंगे। और अगर डो चिपके तो 1 चम्मच घी लगा सकते हैं, थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छी तरह से फिर मसल लें, मसल कर एक डो स्मूथ डो बना लें। इस तरह से हमारा डो तैयार हो चुका है। फिर इसके हम 3 पार्ट करेंगे, बराबर बराबर 3 पार्ट करेंगे। तीन पार्ट करने के बाद इसमें हम एक को तो हम वाइट कलर का रखेंगे, एक को वाइट कलर का रखेंगे और एक में हम बाकी 2 में हम कलर मिलाएंगे। फर्स्ट में हम इसमें ऑरेंज कलर मिलाएंगे, नारंगी कलर। फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम कलर को अच्छी तरह से इसमें शेड आ जाए, शेड वही आनी चाहिए जो हमारे तिरंगे में जो 3 कलर होते हैं वही कलर हमें चाहिए। उसी शेड से हम कलर डार्क या लाइट ना हो, कलर थीम होना चाहिए तभी अच्छा लगता है देखने में। अब हमारा ऑरेंज कलर का डो तैयार है। इसके बाद हम ग्रीन कलर का डो तैयार करेंगे। कलर मिक्स करके अच्छी तरह से हम इसे एक मतलब कलर अच्छी तरह से शेड अच्छी तरह से आ जाए इसलिए हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब तीनों कलर हमारे रेडी हैं, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर। इन तीनों कलर से हम अब एक डिज़ाइन बनाएंगे। तीनों को लंबा लंबा बेल लेंगे, रोल मतलब रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से रोल बन चुका है तीनों। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा लेकर हम एक छोटा सा अब छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेकर अब हम तिरंगे की शेप वाला डिज़ाइन बनाएंगे। हमारा इसी शेप में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं, वैसे तो यही डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे हमें ऐसे फील होगा जैसे हम हमारा तिरंगा जिंदा ही है, देखने में अच्छा लगेगा। और वैसे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, तीनों कलर थोड़ा थोड़ा यूज़ करके हम कोई भी शेप की डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर हम इसे कटे हुए बादाम से डेकोरेट करेंगे। इस तरह से हम सभी डिज़ाइन बना लेंगे। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय भारत।